यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में शांति हो, उन्नति हो, सब कुछ प्रॉस्पेरस हो, उसके लिए अच्छी संतान अत्यंत आवश्यक है। अगर समाज में संतान अच्छी नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, गुड पॉपुलेशन, अच्छी पॉपुलेशन नहीं है, तो शांति और प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बढ़िया उन्नति समाज में संभव नहीं है। यहां पर क्या बताया गया है, कश्यप मुनि उन्होंने भविष्य को देख लिया कि क्योंकि ये जो दिति थी अत्यंत काम से लुप्त होकर, कामोन्मुख होकर, उसने उस समय में संभोग किया जो समय धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार अच्छा नहीं था, इनऑस्पिशियस टाइम, जो समय सही नहीं था। मतलब क्या है, वेदों के अंदर में कुछ विधि विधान है, अगर हम उन विधि विधानों को तोड़ते हैं वो अधर्म कहलाता है। तो अधर्म के अनुसार उसने जो है यौन संबंध किया और उसके फल स्वरूप क्या हुआ, अब हम यहां पर देख सकते हैं कि दिति के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म होगा जो असुर होंगे, डिमोनियक। तो यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, असुरों का जन्म उस मां के गर्भ से होता है जिसका गर्भ निंदनीय है, जिसका गर्भ निंदनीय है। देखिए, यही गर्भ मां का अच्छी संतानें भी पैदा कर सकता है और मां का यही गर्भ निंदनीय भी हो सकता है और असुरों को भी जन्म दे सकता है। अच्छी संतानें पैदा होंगी तो सबके लिए बढ़िया होगा, असुर लोग पैदा होंगे तो सारे के सारे समाज के अंदर में केवल क्लेश मात्र होगा। तो उसके लिए भगवद गीता में बहुत सुंदर संदेश दिया गया है, क्योंकि प्रश्न उठेगा, ठीक है, मां का गर्भ निंदनीय कैसे हो जाता है और मां का गर्भ अच्छी संतानें कैसे पैदा कर सकता है। अब यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है। क्या हुआ, अर्जुन जब युद्ध करना चाहते थे, अर्जुन के मन के अंदर में बहुत सारे प्रश्न थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं। अर्जुन ने बहुत सोच विचार किया युद्ध करने से पहले, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अभी थोड़े दिनों पहले भगवद गीता का प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं उसके बारे में बता रहा था, तो उसमें मैंने इसका वर्णन किया था। अर्जुन ने सेना का निरीक्षण किया, उसके मन में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार पैदा हुए। दुर्योधन ने भी सेना का निरीक्षण किया, उसके मन में एक सिंगल विचार ऐसा नहीं आया कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, समाज का क्या होगा, कुछ उसने विचार नहीं किया। लेकिन
अर्जुन बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्ति हैं, युद्ध करने से पहले सोच रहे हैं अगर मैं युद्ध करूंगा इसका परिणाम क्या होगा। एक श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान ये दुर्योधन और उसकी पार्टी ये लोग तो अंधे हैं, हम अंधे थोड़ी हैं। दुर्योधन और उसकी पार्टी लोभ के कारण अंधे हो चुके हैं। लोभ से व्यक्ति अंधा हो जाता है ना, काम वासनाओं से व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगर आप थोड़े दिनों पहले पेपर्स में देखेंगे तो इतनी बुरी घटनाएं सुनने को आती हैं। ये सब क्या है, वर्ण शंकर है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके उसको मार देना, ये सब क्या है, वर्ण शंकर पॉपुलेशन है, आसुरिक जनता हम लोग देख रहे हैं। ये सब जानते थे अर्जुन कि अगर मैंने अपना कर्तव्य सही प्रकार से नहीं निभाया आगे वर्ण शंकर जनता आएगी, वैसे बच्चे पैदा होंगे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं उसको पढ़ता हूं। देखिए अर्जुन कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यद्यपे न पश्यन्ति लोभो उपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम्। वो कह रहे हैं एते एते मतलब ये कौरव दुर्योधन और उनके सारे समूह लोग जो हैं उनके साथ में, यद्यपि ये लोग नहीं देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं, पश्यन्ति यद्यपि ना पश्यन्ति, क्यों नहीं देख सकते हैं। हम सोचेंगे भाई दोनों सबकी आंखें थी, धृतराष्ट्र तो ब्लाइंड थे, वो तो दूर बैठे हैं, बाकी सबकी तो आंखें हैं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, लोभो उपहता चेतसाम, इनका हृदय लोभ से ओवर पावर्ड हो गया है। जब हमारा मन लोभ काम वासनाओं के द्वारा ओवर पावर हो जाता है हम सही प्रकार से नहीं देख सकते हैं, करेक्ट है ना, तब हम लोग नहीं देख सकते हैं ये बच्ची है ये बच्चा है क्या है, सब लोभ और काम के कारण है। तो कह रहे हैं ये लोग तो अंधे हो गए हैं क्योंकि इनका हृदय लोभ के कारण भर गया है, इसलिए इन्हें सही प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कुलक्षयम दोषम, कुल का ट्रेडिशन का अगर हम विनाश कर देंगे उसका क्या दोष है, इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। मित्र द्रोहे च पातकम, फ्रेंड्स के साथ में मित्रों के साथ में द्रोह करने का पाप कर्म इनको नहीं समझ में आ रहा है। और आगे अपने बारे में कह रहे हैं कथम न ज्ञेयम अस्माभिहि, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो ज्ञानी हैं, ज्ञेयम कथम मतलब क्यों, अगर ज्ञान होने के बावजूद भी हम लोग अगर सही प्रकार से ना देखें तो फिर क्या फायदा है। कथम न ज्ञेयम अस्माभिहि पापाद अस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यादि भीर जनार्दना। हे भगवान आपका नाम तो जनार्दन है, जनार्दन का मतलब क्या होता है, मेंटेनर ऑफ पीपल, जो लोगों को मेंटेन करते हैं उनको जनार्दन बोलते हैं। और भगवान से कह रहे कि भगवान आपका नाम तो जनार्दन है पर आप मुझे कह रहे हैं कि जनों को मारो, क्योंकि यहां पर आप कुरुक्षेत्र युद्ध में मुझे ऑपोजिट जो लोग खड़े हैं उनको मारने को कह रहे हैं, इनको मारने से क्या होगा आपको पता नहीं, भगवान को कह रहे हैं। अस्माभिहि मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग देख सकते हैं और फिर भी ये काम कर रहे हैं,
वो केवल अपने लिए नहीं कह रहे हैं, अहम नहीं कह रहे हैं, अस्मा भी ही, मैं और आप दोनों हैं। हम लोग तो देख सकते हैं, फिर हम क्यों ऐसा कार्य करें? तब प्रश्न उठेगा, ऐसा अर्जुन क्या सोच रहे हैं? इन लोगों को मारने से, दुष्ट लोगों को मारने से क्या होने वाला है? तो अर्जुन आगे बताते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवतुता। सिंपल लॉजिक अर्जुन देते हैं, वो कहते हैं, भगवान मैं जिन लोगों को मारने को जा रहा हूं, ये सब अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में ये सब लोग एल्डर हैं, व्यस्क लोग हैं, इसमें भीष्मा है, कर्णा है, इसमें द्रोणाचार्य हैं, इन सब लोगों की वजह से फैमिली के अंदर में ट्रेडिशन है, लोग जो हैं धर्म का पालन कर रहे हैं। फैमिली में कौन सा धर्म का पालन होता है? 10 प्रकार के संस्कार हम लोगों को पालन करने होते हैं। बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भदान संस्कार का पालन करना है, गर्भ में बच्चे आने के बाद में संस्कार है, गर्भ से जन्म लेने के बाद संस्कार है, जन्म लेने के बाद में जब उसको अन्न दिया जाता है पहली बार वो भी संस्कार है, उसको जब दीक्षा दी जाती है वो भी संस्कार है, विवाह होता है वो भी एक संस्कार है, मृत्यु होती है वो भी संस्कार है, मृत्यु के बाद में पिंड दान दिया जाता है वो भी संस्कार है। तो देखिए, जन्म से पहले मृत्यु के बाद तक संस्कार हैं, ये सब फैमिली के अंदर में फॉलो किए जाते हैं। क्यों? इसका कारण है, आत्मा को किस प्रकार से इस भौतिक बंधन से छुटकारा मिल करके भगवान की प्राप्ति हो, आत्मा की शुद्धि हो, इस भौतिक संसार में हम लोग अपनी जीवन की शुद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए संस्कार थे। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये जितने भी व्यस्क लोग हैं, इनको अगर मैं मार दूंगा तो क्या होगा? फैमिली का ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, धर्म का पालन करने वाला कौन रहेगा फैमिली के अंदर में, कौन करवाएगा पालन? ये व्यस्क लोग अगर चले गए तो। वो कह रहे हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, ये लोग अगर व्यस्क लोग चले गए तो कुल में धर्म करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, अगर वो नहीं रह जाएगा तो क्या होगा? अधर्मो अभिभवात कृष्णा, अधर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, और सबसे पहला असर अधर्म बढ़ने का स्त्री के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। करेक्ट? हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा स्ट्रीट में मेन का रेप होते हुए, लेकिन स्त्री का होता है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए वेदों में बताया है, बचपन में पिताजी की प्रोटेक्शन, शादी के बाद में पति की प्रोटेक्शन, और अगर पति बाद में संन्यास ले लेता है, बड़े बेटे की प्रोटेक्शन, बेटों की सुरक्षा में। कुंती महारानी में भी हम लोग देखते हैं, कुंती महारानी में उनके पति के जाने के बाद में अपने बेटों की सुरक्षा में थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहला असर स्त्रियों के ऊपर पड़ता है, ये हम लोग देख सकते हैं। ईरान में या इराक में या फिर जहां पर भी वार चल रहे हैं, जब युद्ध होते हैं और व्यस्क लोग मारे जाते हैं, सबसे पहले जाकर के प्लंडर किया जाता है स्त्रियों के ऊपर, उनको दूषित किया जाता है। करेक्ट? और उनके दूषण से क्या होता है, आगे अर्जुन बताते हैं। तो पहला क्या हुआ, प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, कुल की जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाती है, उससे क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टाशु वार्षनेया
जायते वर्ण शंकरः। जैसे ही स्त्री पॉल्यूट हो जाती है उसके गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, असुर पैदा होते हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मां के ऊपर, जरा सोचिए। अगर हम लोग चाहते हैं संसार के अंदर में आनंद हो, लोग संतुष्ट हो, लोग खुशी के साथ रहें, पीसफुली रहें, शांति के साथ रहें, मां के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर मां का गर्भ दूषित हो जाता है तो जो पॉपुलेशन होगी वो वर्ण शंकर कहलाएगी, अनवांटेड पॉपुलेशन। और अनवांटेड पॉपुलेशन हम लोग कहां से सोचेंगे कि पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे क्या होता है, ये वर्ण शंकर आने से आगे भी बताया है ये लोग क्या करेंगे। दो चीज करते हैं, एक वर्ण शंकर लोग अभी जो सोसाइटी है उसमें प्रॉब्लम करते हैं, सारे धर्म के नियमों को तोड़ देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जो उनके पूर्वज थे उनका भी पतन हो जाता है। केवल अभी के लिए नहीं, उनके पूर्वजों के लिए जो कार्यक्रम होते थे उनका भी पतन हो जाता है। तो वो भी बताया, शंकरो नरका येव। ये वर्ण शंकर क्या करते हैं, पूरे सोसाइटी में हेलिश लाइफ कर देते हैं। आज हम लोग यही देख रहे हैं ना, कोई सुरक्षा नहीं है, स्ट्रीट में हम लोग जो है सही प्रकार से जा भी नहीं सकते, कब आकर के कोई धावा बोल दे, कौन आकर के चाकू मार दे, करेक्ट है ना। डेली आप पेपर में देखिए, एवरी डे कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। ये सब वर्ण शंकरा पॉपुलेशन, कलौ शूद्र संभवात, क्योंकि कोई गर्भदान संस्कार नहीं, कोई संस्कार नहीं, प्रैक्टिकली सारी पॉपुलेशन कलयुग की शूद्र के बराबर है, इस प्रकार से हो गया है। आगे क्या होगा, तो उन्होंने जो है इस प्रकार की पॉपुलेशन ने पूरी सोसाइटी में हेलिश लाइफ कर दी, और क्या होता है, पतंती पुत्रो ही पतंती पित्रो ही एशाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। न केवल प्रेजेंट सोसाइटी में वो लोग प्रॉब्लम करते हैं, इनके पूर्वज लोग भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, पतंती पित्रो, उनके पितृ लोग भी पतन हो जाता है। ये जो पिंड देने की क्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण थी वैदिक सभ्यता में। पिंड क्यों दिया जाता है, उसके पीछे साइंस है। जो हमारे पूर्वज हैं गलती से मान लो उन्होंने कुछ कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ये देह की प्राप्ति नहीं है, ये ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर प्राप्त नहीं है, भूत प्रेत के शरीर में अगर वो घूम रहे हैं, भगवान का प्रसाद जब उन्हें दिया जाता है पिंड के द्वारा, जब उन्हें ऑफर किया जाता है, तो वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करके इस भूत प्रेत के शरीर से छुटकारा पाते हैं। सब बड़े महत्वपूर्ण थे, जितने भी हमारे वैदिक सभ्यता में जितने भी ये नियम पालन किए जाते थे सब बड़े महत्वपूर्ण थे। तो अब क्या होगा, अब उनको कोई पिंडदान देने वाला नहीं है, उनका पतन निश्चित है, हेलिश लाइफ में वो भी जाएंगे, इन्होंने पूरे समाज में भी हेल कर दिया है। इसलिए अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान आप देख सकते हैं मैं इन लोगों को मारूंगा तो आगे क्या होने वाला है आप देखिए, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जुन जो है दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमें यह समझ में आ जाए, दो चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद कहते हैं अगर स्त्री को सही प्रकार से प्रोटेक्शन दी जाती है, सही प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो चमत्कार कर सकते हैं सोसाइटी में, अच्छी पॉपुलेशन आ सकती है जिससे सब लोग खुशी रहेंगे। हमारी वैदिक सभ्यता यही है ना, सर्वे जन सुखिनो भवंतु। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर है, स्त्री के ऊपर है, और उनको प्रोटेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर है, पुरुष के पास है।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर उनको सही प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए बचपन से, कैसे उन्हें सती धर्म का पालन करना है, हाउ दे हैव टू बी वेरी वेरी चेस्ट, सती धर्म का पालन करना है, उससे क्या होगा, उनका गर्भ जो है उसके द्वारा दिव्य बच्चों का जो है जन्म होगा। और अगर काम से प्रेरित होकर के स्त्री जो है दूषित हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, उसके गर्भ से असुरों का जन्म होगा। तो सुरों का जन्म या असुरों का जन्म, ये अब हमारे ऊपर है कि नहीं। तो प्रभुपाद एक बड़ी जो है एक दो तीन सुंदर कथाएं बताते हैं किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में स्त्री जो है सती धर्म का पालन करती थी और उसके कारण उनके पास में बहुत पोटेंसी थी, बहुत ताकत होती थी। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है सावित्री और सत्यवान का। सावित्री नाम से ही हमको पता लगता है कि वो सती धर्म में अत्यंत प्रवीण थी, बहुत चेष्ट थी। एक बार क्या हुआ, उसकी शादी के पहले ही उसके पिता ने उसको जो है बता दिया था कि देखो जिस पुरुष से तुम शादी करने जा रही हो शादी के दिन इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन फिर भी उसने जो है उसे अपने पति धर्म पर, उसे अपनी पवित्रता के ऊपर अत्यंत जो है गर्व था कि नहीं, अगर मैं पतिव्रता हूं तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हुआ जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी, जिस दिन सती सावित्री का जो है सत्यवान के साथ विवाह हुआ उसी दिन सत्यवान का देहांत हो गया, मर गया। सावित्री ने जो है तपस्या करके अनेकों प्रकार से यमराज को प्रसन्न किया। यमराज वहां पर जो है सत्यवान को लेने के लिए आए थे, उसकी आत्मा को लेने के लिए आए थे, लेकिन अपने अनेकों प्रकार की तपस्याओं के द्वारा सावित्री ने जो है यमराज को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने के बाद में यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं, बेनिडिक्शन देना चाहता हूं, तुमको जो वर चाहिए मुझसे ले सकती। उसने बड़ा सरल से वर पूछा, मुझे एक संतान चाहिए। तो यमराज बोला खुशी से, हां जरूर तुम्हें संतान जरूर मिलेगी, तथास्तु तुम्हारी एक अच्छी संतान पैदा हो। ये कहकर के वर देने के बाद में सत्यवान को लेकर के जाने लगा, पीछे पीछे सावित्री आ रही। तो यमराज ने कहा कि भाई इसका समय हो चुका है, तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तुम्हें तो मैंने वरदान दे दिया है ना, वरदान लेकर के खुश रहो। तो सावित्री ने कहा, यमराज जी आपने मुझे वरदान तो दे दिया है अच्छी संतान होने का, पर मेरे पति को तो आप लेकर के जा रहे हो, बिना मेरे पति की कहां से संतान होगी। तब जाकर के यमराज को होश आया, अरे मैंने क्या वर दे दिया। फिर जो है सत्यवान को उसे वापस करना पड़ा। देखिए पतिव्रता धर्म में, सती के धर्म में कितनी पोटेंसी है कि उसके द्वारा अपने पति को भी वो वापस जो है मृत्यु के पॉइंट से खींच करके वापस लेकर के आ सके। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, ये कुछ साल पहले की घटना की बात है, जब रामानुजाचार्य उनके एक शिष्य थे, बड़े गरीब थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य, उनको पता था कि मेरा ये शिष्य जो है बड़ा गरीब है, हस्बैंड एंड वाइफ बड़े सिंपल तरीके से घर में रहते हैं, प्रैक्टिकली इनके पास में घर में कपड़े भी नहीं है बदलने के लिए, इस प्रकार से इनका जीवन है।
तो क्या हुआ, एक दिन रामानुजाचार्य उनके घर के अंदर में आए। पति कहीं पर बाहर गए हुए थे, पत्नी केवल घर में थी। तो उन्होंने बाहर से जो है दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं तुम्हारा गुरु रामानुजाचार्य तुम्हारे घर में आया हूं। तो जो उनकी डिसाइपल थी वो काफी समय तक उसने दरवाजा नहीं खोला। तो गुरु की समझ में आ गया कि लगता है कि मेरे डिसाइपल के पास में, मेरे शिष्य के पास में सही प्रकार के वस्त्र भी नहीं हैं बदलने के लिए, इसलिए इसने दरवाजा नहीं खोला है। तब रामानुजाचार्य ने अपने वस्त्र जो है, अपनी शल्या वगैरह जो है उसको प्रदान की, तब जाकर के जो है उसने दरवाजा खोला और बढ़िया प्रकार से जो है रामानुजाचार्य का अतिथि सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जरा स्नान वगैरह कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए प्रसाद परोसूंगी। तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कहां से इसके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और बोल रही है कि मैं तुम्हें प्रसाद परोसूंगी, चलो मैं भी देखता हूं फन क्या करती है। तो उसके बाद में जो है ये स्त्री एक ग्रॉसरी शॉप में गई, जहां पर जो है दुकान में गई जहां पर ग्रॉसरी मिलती है, प्रोविजंस वगैरह मिलते हैं, आटा दाल चावल वगैरह जो है जिस दुकान में मिलते हैं वहां पर गई। ये व्यक्ति जो है बड़ा लालची था, बड़ा कामुक था। जब भी कभी ये रामानुजाचार्य की शिष्य ये स्त्री इसकी दुकान पर जाती थी उसको गलत नजरों से देखता था और अनेकों प्रकार से जो है प्रेरित करता था, पूछता था कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं दूंगा, उसके बदले में जो है मुझे तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, मेरे साथ में जो है संभोग करना होगा। तो ये स्त्री सोचती थी कि बेटर हम लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन ये काम मैं कभी नहीं करूंगी। तो लेकिन आज जो है ये स्त्री वहां पर पहुंची और उसने वहां पर रिक्वेस्ट किया। उसने कहा कि तुम इतने दिनों से कह रहे थे कि तुम्हें जो है मेरे शरीर की जरूरत है, तुम जो हो भावुक काम में भावना से लिप्त होकर के जो है मेरा संभोग करना चाहते हो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे गुरु घर में पधारे हैं, मैं उनके लिए बढ़िया प्रकार का भगवान को भोग लगा करके जो है प्रसाद उनको देना चाहती हूँ। तो बड़ा खुश हो गया, जो लेकर के चाहिए सब लेकर के जाओ, उसके बाद में ठीक प्रकार से वापस आ जाना। तो खुश होकर के सब दे दिया। तो उन्होंने जाकर के जो है बढ़िया भोग सब कुछ लगा करके भगवान को, रामानुजाचार्य को बढ़िया प्रकार से प्रसाद खिलाया। तब तक जो है उनके पति भी वापस आ गए और रामानुजाचार्य को जो है उन्होंने विदा किया। तब बाद में वो स्त्री बोलती है अपने पति से कि देखिए, तो उसको भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि इतना सारा भोजन कहां से आ गया, हम तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इतने गरीब लोग हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और आज इतना बढ़िया जो है भोग लगा करके प्रसाद जो है गुरु की सेवा की गई, किस प्रकार से संभव हुआ। तो जब उसने पत्नी से पूछा और पत्नी ने बताया तो उन्होंने भी कहा हाँ, गुरु की सेवा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुमने उसे वचन दिया है, तुम वहां पर जा सकती हो। तो पत्नी जो है वहां पर गई, लेकिन तब तक जो है रामानुजाचार्य की कृपा से उस व्यक्ति को जो है अकल आ गई थी। तो उस व्यक्ति ने जब उसको पता लगा कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए ये शिष्य अपने गुरु के लिए रेडी है, तब जो है उसका हृदय पिघल गया और उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे मां के बराबर हो, मैंने तुम्हें जो है गलत प्रकार की दृष्टि से देखा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो प्रभुपाद बताते हैं ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, जस्ट थोड़े साल पहले की बात है जब रामानुजाचार्य यहां पर थे। तो अगर स्त्री जो है सही प्रकार से धर्म का पालन करती है तो उसके अंदर में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, वो बॉम्बे में अपने एक फ्रेंड के साथ में उनके फ्रेंड के घर में गए थे, वहां पर जो है कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे, कुछ वहां पे वार्तालाप चल रही थी।
वहीं पर दूर में ही एक स्त्री, एक 10-20 मीटर दूर जो है एक स्वीपर लेडी खड़ी हुई थी जो स्ट्रीट को जो है स्वीपिंग करती है, जो झाड़ू लगाती है, और वो जो है इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी कि कब ये दो पुरुष थोड़े दूर जाएं और वो वहां से निकल करके घर के अंदर में आए। तो प्रभुपाद जी जो है उनको, उनके दोस्त को बोलते हैं, लगता है तुम्हारी ये मेड सर्वेंट जो है घर में आना चाहती है, लेकिन ये वेट कर रही है क्योंकि हम दो पुरुष यहां पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सरक जाते हैं, एक साइड में आ जाते हैं ताकि ये स्त्री जो है घर को आ जा, अंदर जा सके। तो प्रभुपाद उस इंसिडेंट से बताते हैं कि देखिए उसकी सोशल पोजीशन क्या है, एक स्वीपर है, लेकिन उसका आदर इतना है कि दो पुरुष को भी अपने स्थान से हटना पड़ा उनको आदर के साथ में घर के अंदर जाने के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण है। एक और इंसिडेंट प्रभुपाद बताते हैं बॉम्बे का ही। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने बॉम्बे में देखा कि एक भिखारी है और वो जो है रेड़ी पर बैठा हुआ है, उसकी प्रैक्टिकली आंखें नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, लेप्रेसी आने से सारे शरीर के अंग गल जाते हैं, डिटोरेट हो जाते हैं, हाथ उंगलियां वगैरह जो है सब निकल जाती है। बिल्कुल इस प्रकार का व्यक्ति, अगर उसकी पत्नी चाहती तो उसको जो है छोड़ करके निकल सकती थी, करेक्ट है ना? कि अब ये क्या काम का है, अब मेरे को इसका मेंटेनेंस करना है, मेरे को इसको स्नान कराना है, मेरे को इसको कपड़े पहनाना है और बाद में भोजन भी मुझे ही बनाना है। अगर उसकी पत्नी चाहती तो छोड़ छाड़ करके निकल जाती थी, लेकिन प्रभुपाद कहते देखो इतनी गरीब अवस्था के बावजूद भी अपने पति धर्म का उसने पालन किया, उसके बावजूद भी जो है उसको स्नान कराती थी और जो उनका पेशा था भीख मांग करके वो लोग जो है अपना जीवन चलाते थे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर में सही प्रकार के लोग हो, सही प्रकार की जनता हो, तो स्त्री के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डिबॉचरी, अगर इस प्रकार के कार्य हमारे समाज के अंदर में आते हैं तो हम लोग एक्चुअली देख सकते हैं कि उसके कारण केवल किस प्रकार की जनता जो आज हम लोग देख रहे हैं, उस प्रकार के लोग, आसुरिक भाव के लोग पैदा होंगे। और पूरा जिस प्रकार से अर्जुन ने बताया था नरकायेव, पूरे हेलिश कंडीशन की लाइफ आज हम लोग जो है देख सकते हैं समाज के अंदर में। तब प्रश्न ये उठेगा, प्रभु ये तो ठीक है, आज वैदिक सभ्यता हम लोग कहां से वापस लाएं? गर्भदान संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, क्वालिफाइड ब्राह्मण लोग भी नहीं है सही प्रकार से संस्कार करने के लिए। तो वो भी वेदों में बताया है कि यस, कलयुग के अंदर में सब कुछ उलट पुलट है। जब तक महाराज परीक्षित थे तब तक कली ने जो है समाज के अंदर में एंट्री भी नहीं कर सका था। परीक्षित महाराज के चरणों में पड़ करके कली ने पूछा कि मुझे भी कुछ स्थान दीजिए। तब परीक्षित महाराज ने उनसे कहा केवल तुम चार स्थानों पर निवास कर सकते हो, जहां पर भी ये इलिसिट कार्य होते हैं, जहां पर भी मदिरा का पान होता है, दारू मदिरा ये सब गलत कार्य होते हैं, जहां पर भी जुआ खेला जाता है और जहां पर भी इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, जुआ खेला जाता है एंड मीट ईटिंग, जहां पर भी जो है जानवरों के ऊपर कोई दया नहीं है, उस जगहों पर तुम निवास कर सकते हो। तो कली ने जो है सारे के सारे राज्य के अंदर में जगह ढूंढने का प्रयास किया, कोई जगह उसे प्राप्त नहीं हुई। सब जगह देखा, कोई जगह उसे प्राप्त नहीं हुई।
फिर दोबारा जाकर के जो है परीक्षित महाराज के पास में आए कि मुझे तो कोई जगह नहीं मिली, तुम्हारे राज्य में तुम्हारे कारण ये जगह है ही नहीं। तब उन्होंने एक जगह और उनको प्रदान की, जहां पर भी मोर देन नेसेसरी वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, जहां पर भी सोना ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, वहां पर तुम निवास कर सकते हो। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम जो है बहुत ऐशो आराम के साथ में बहुत ज्यादा धन दौलत कमाते हैं, देन वी शुड अंडरस्टैंड कि वी आर इनवाइटिंग कली। तो बेटर है अगर हम लोग भगवान के लिए धन ज्यादा इकट्ठा करें तो वो बेटर है, ताकि भगवान का ग्रैंड पैलेस हम लोग यहां पर जो है बना सके। तो आज भी हम लोग जो हैं कली को दूर रख सकते हैं, इसका रास्ता है। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपनी कृष्णा भावनामृत के द्वारा कली को जो है हमेशा दूर रखा, उसी प्रकार से हम सब लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर हम सब सही प्रकार से कृष्णा भावना अमृत का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का आचार करेंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन के अंदर में वो पोटेंसी आएगी जिसके द्वारा बाकी लोगों को, जिसको भी हम लोग मिलेंगे, उन लोगों को भी हम लोग जो हैं कृष्णा भावनामृत से प्रेरित कर सकेंगे। जिस प्रकार से डिजीज स्प्रेड होती है, कंटेजियस होती है, करेक्ट है ना, अगर कोई व्यक्ति कंटेजियस डिजीज वाला है, अगर वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में हाथ मिलाता है, बातें करता है, उस व्यक्ति को भी डिजीज आ जाती है। इसी प्रकार से हमें भी कृष्णा भावनामृत में इतना कंटेजियस होना है, जो भी हमारे साथ में मिले, बात करे, हम जो है उसको कृष्णा भावनामृत से प्रभावित कर सकें। ये हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा पूरे संसार के लिए, अगर हम लोग चाहते हैं पूरे संसार में पीस हो, शांति हो, लोग सुख के साथ में जिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कलयुग के अंदर में अगर आज हम लोग ये अनेकों प्रकार के नियम का पालन भी नहीं कर सकते हैं, अनेकों जो संस्कार हैं वो पालन नहीं कर सकते हैं, वो वेदों में बताया है, कलौ दोष निधि राजन, कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण, लेकिन कलयुग में भी एक महान गुण है, कीर्तनादि एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, भगवान कृष्ण का नाम लेने से, जप करने से मुक्तः संगः परम व्रजेत, परम मुक्ति की हमें कलयुग में भी प्राप्ति हो सकती है। भगवान भगवद गीता में भी स्वयं बताते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, स्त्री वेश्या अपि शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति, चाहे स्त्री हो, चाहे वेश्या हो, चाहे शूद्र हो, या फिर पाप योनि हो, अनेकों प्रकार की पाप योनि है, जो जानवरों को मार करके खाते हैं, और जानवरों में भी जो बड़े ही लोअर जानवर, पिग्स, डॉग, ऐसे जानवरों को भी जो खाते हैं उनको चंडाल बोलते हैं। ऐसे लोग भी जो हैं अगर भगवान की भक्ति में भाग लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वो भी जो है शुद्ध हो जाते हैं। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खशा दया ये अन्ये च पाप यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो वहां पर जो है पापी से पापी लोगों की रेस बताई गई है, किराट, हूणा, अंधा, पुलिंदा, पुलकशा, यावना, जैसे वेस्टर्न्स कंट्री जो है जहां पर सब कुछ लोग खा लेते हैं, सब प्रकार के गलत कार्य करते हैं, उनको यावन बोला जाता है। खशादयाह ये अन्येच, और जितने भी इससे भी पाप कर्म वाले लोग हों, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, भगवान विष्णु के भक्तों की शरण लेने से ये सब जो है
शुद्ध हो जाते हैं। तो कलयुग में ये सब तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग गर्भदान संस्कार फॉलो करें, ये संस्कार फॉलो करें, वो संस्कार फॉलो करें। लेकिन कलयुग में भगवान ने जो है एक बड़ा सरल तरीका दिया है, जिसके द्वारा लोगों के अंदर में जो आसुरिक भावनाएं हैं, अब हम लोगों ने कलयुग में शूद्र की तरह जन्म लिया है, असुर की तरह जन्म लिया है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने फिर भी जो है हमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम दिया है, बड़ा ही सरल कार्यक्रम दिया है कि अगर हम भगवान की भक्ति में आते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये गंदगियां हमारे हृदय से हमेशा के लिए निकल जाएंगी। असुर का मतलब हमें ये नहीं सोचना है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि असुर मतलब जैसे रावण था उसके 10 सिर थे तो वो असुर है, या फिर हिरण्यकश्यपु उसके कुछ सींग रहेंगे, कुछ बड़े बड़े नाखून रहेंगे, हम लोग यही सोचते हैं ना। कॉमिक्स वगैरह में आपने देखा होगा असुर को कैसे बनाया जाता है, बड़ा भयंकर मुख बनाया जाता है। नहीं, दुर्योधन था वो भी मनुष्य जैसा था, उनका उनका जो है दुर्योधन और पांडव लोग सब फैमिली के लोग ही थे, एक ही फैमिली के अंदर में कुछ लोग असुर थे कुछ लोग सुर थे। उस समय में कम से कम कुछ लोग सुर थे कुछ लोग असुर थे, आज सब लोग असुर हैं। तो उस समय में भगवान ने जो है केवल असुरों को मारा था, आज अगर भगवान को अपने अस्त्र लेकर के मारना हो तो क्या होगा, सबको मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कलयुग में असुर टेंडेंसी को, आसुरिक जो वृत्ति है, भगवान केवल उसको मारते हैं। हमारे अंदर में जो असुर है, जो असुर की प्रवृत्ति है, भगवान उसको मारते हैं। और भगवान जो है उनका हथियार कौन सा है, संकीर्तन यज्ञ प्रायेर यजन्ति ही सुमेधशः। भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा मन के असुरिक वृत्ति को हम लोग मार सकते हैं, और उसका हम लोग जो है साक्षात उदाहरण देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जीवन से। जगाई और मधाई इतने सिंफुल थे, इतने पापी व्यक्ति थे, उन्होंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं था जो उन्होंने ना किया हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, गैम्बलिंग हो, मीट ईटिंग हो, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी सब प्रकार के दुष्कर्म उन्होंने किए थे। तो एक दिन मदिरा का भांग जो है, मदिरा पी करके वो लोग उसमें जो है मस्त थे, और नित्यानंद प्रभु आकर के कहते हैं कि मनुष्य जीवन तुम क्यों बेकार कर रहे हो। और खासकर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम संकीर्तन तुम्हें दिया है, तुम इसका जप करके अपने जीवन को सुधार लो। तो उनमें से एक भाई ने जो है नीचे से पत्थर उठाया और दे करके जो है सीधा नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर मारा, और उनके सिर से जो है लहू निकलने लगा। तब तुरंत वहां पर चैतन्य महाप्रभु आए, और उस समय वो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा इन दोनों असुरों का गला काटना चाहते थे। तब नित्यानंद प्रभु जो है उनके पैर पकड़ करके कहते हैं कि महाप्रभु, कलयुग के अंदर में आप जो है अपने अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन इस शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम जो हो भगवान के नाम का जप करोगे और ये पाप कर्म छोड़ दोगे। विषय छाड़िया मुखे बोलो हरी हरी, बस इतना सिंपल काम है। और अगर हम लोग पहले हरी हरी बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली विषय भी छूट जाएंगे। अगर हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे तो जितने भी विषय हैं, जितने भी हमारे मन के अंदर में गंदगियां हैं, सब ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय भगवान के नाम का जप करने से शुद्ध हो जाएगा। तो कलयुग के अंदर में ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम सब भक्तों के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना केवल हम लोग अपने जीवन में कृष्णा भावनामृत का सही प्रकार से इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और जब हम लोग कृष्णा भावनामृत से ओतप्रोत हो जाते हैं, व्हेन वी बिकम इमर्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस,
देन whomever वी कम इन टच विद, जिसके भी हम लोग जो है संग में आते हैं, उन लोगों को भी हम लोग जो है कृष्णा भावनामृत में प्रभावित कर सकेंगे। तो यहां पर हम लोग जो है समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।